नमस्कार, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर करते हैं शुरुआत उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कों पर लेटकर अभ्यर्थियों ने अपनी बात सीएम तक पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण घोटाला सामने आया है। इसके बाद पिछले कई दिनों से अभ्यर्थी लखनऊ के अलग अलग हिस्सों में अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज फिर हक मांगने के लिए सभी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री आवास पर रोते बिलखते अभ्यर्थी पहुंच गए। सभी ने सीएम योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। सीएम आवास पर भारी पुलिस बल भी तैनात की गई थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जब स्थिति बिगड़ने लगी तो पुलिस के जवानों ने अभ्यर्थियों को बस में भरना शुरू कर दिया। सभी को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया गया है। रामपुर के कैमरी थाना क्षेत्र के हुरमत नगर में एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक पूनम के पिता का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज के खातिर विवाहिता की हत्या कर दी है। पिता ने बताया कि 21 मई 2021 को मृतका पूनम का विवाह हुआ था। 2 महीने से कम समय में ससुरालियों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पति सास ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की जाँच में पुलिस जुट गई है। रामपुर में सपा सांसद आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा का आरोप है कि सियासी रंजिश के चलते आजम खां को मेदांता हॉस्पिटल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि अस्पताल से शिफ्ट करते वक्त आजम खां की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्हें व्हीलचेयर पर लाया गया था। उनके हाथ पैर बहुत कमजोर थे और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। मेदांता से डिस्चार्ज किया गया तो मैंने देखा था वीडियो में कि वो व्हील चेयर से लाए जा रहे थे और उनके हाथ पैर बेहद कमज़ोर थे और ठीक से उनसे एम्बुलेंस में बैठा चढ़ा भी नहीं जा रहा था, तो उन्हें सहारा देकर चढ़ाया गया था। तो मैं तो ये मानती हूँ कि उसमें यकीनन कोई षड्यंत्र है, कोई साजिश है। और ये भी राजनीति का एक घिनावना। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद है। कैसरबाग थाना क्षेत्र में कार सवार दबंगों ने स्कूटी सवार युवक की मारपीट की। बता दें कि दबंगों ने स्कूटी सवार युवक को पीटने के साथ अगवा करने का भी प्रयास किया। वहीं विरोध करने पर दबंग ने 1,40,000 रुपए लूट की। पीड़िता की माने तो आरोपी कई दिनों से रंगदारी मांग रहे थे। रंगदारी ना देने पर दबंगों ने घर लौटते समय वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़ित द्वारा हंगामा करने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, जिसके बाद दबंग मौके से फरार हो गया। घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज में दबंगई की करतूत भी कैद हो गई है। थाना बसई अरेला क्षेत्र में दो कार के बीच भीषण टक्कर हो गई। दोनों कारों की भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से कार में फंसे यात्रियों को निकाला और सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। तो आगरा में भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसके बाद वहां पर पुलिस को सूचना दी गई। बता दें कि दो कारों की भिड़ंत में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा बेहद ही दर्दनाक था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई और ये हादसा इतना भीषण था कि लोगों को बचाने के लिए गाड़ी तक को तोड़ना पड़ गया। फिलहाल की बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए प्राइम टीवी।